हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे बी आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा और यमी और जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट शेयर करने वाली हूँ आज मैं आप लोगों के साथ। शेयर करूँगी यहाँ पर सैमरी, यानी कि सैमई भी बोलते हैं बहुत सारे लोग वो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और ये सबको मैंने कट कर लिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आलू कट किए थे, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है धोने के बाद। और यहाँ पर ऐड कर दिया, उसका थोड़ा सा पानी मिला देंगे और यहाँ पर देखिए नमक ऐड कर देंगे, मैंने नमक ऐड कर दिया है। और ये मैं बना रही हूँ सैमरी, ये बहुत अच्छी लगती हैं बहुत खाने में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने सैमई को ऑलरेडी पहले भूंज लिया था, आप लोग भी भूंजिएगा ज़रूर। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसे जब तक हल्का सा गोल्डन फ्राई ना हो जाए, गोल्डन सी नहीं हो जाए और खुशबू ना आने लगे तब तक इसको चलाते रहते हैं और छोड़ते बिल्कुल नहीं है, नहीं तो जो सैमई होती हैं वो लग जाती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ये देखिए, और इसको मैं एक प्लेट की हेल्प से ढक दूँगी और बस थोड़ी देर में 5 या 10 मिनट में पक जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगती हैं। आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो सैमई है वो बन चुकी हैं ये देखिए। और यहाँ पर मैं ये दीव को दे दे रही हूँ, थोड़ी सी अम्मा को दे दे रही हूँ जो रहती हैं यहाँ पर वही, तो बहुत अच्छी लग रही थी खाने में और थोड़ी बनी थी, मेरे को अंदाज़ा नहीं पड़ा था। और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे गुरुजी, तो उनका हम लोग अवागमन यानी कि वो आए हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोगों के कोई भी गुरुजी आए पूरे नगर में तो हम लोग के स्वागत करा जाता है बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि बैंड बाजाओं के साथ, ढोल मजीरे के साथ सारी लेडीज़ें जाती हैं, सारे जेंट्स जाते हैं, उनको लेकर आते हैं यहाँ पर और इस तरीके से। तो यहाँ पर वो लेकर आए हुए हैं ये देखिए। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर झंडा वंडा लगाए आते हैं सब लोग गुरुजी के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे, और लड़कियाँ होती हैं लेकिन हम लोगों के लड़कियाँ ना गुरुजी को छूती नहीं है, ना गुरुजी को छूती है, ना माता जी को छूती है, किसी को नहीं छूती हम लोग के लड़कियाँ, लड़कों ही छूते हैं। और जो हमारे गुरुजी होते हैं ना वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, निवस्त्र होते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े और कितनी भी गर्मी पड़े वो कभी भी ऑटो किसी भी व्हीकल का वो नहीं करते, यूज़ नहीं करते, पैदल ही पूरे भारत का, पैदल ही जहाँ पर उनको जाना है वहाँ पर वो पैदल ही लेके जाते हैं, पैदल ही आता। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, उनके हाथ में ट्राईपॉड है तो आप लोग देख सकते हो कुछ नहीं पहने गुरुजी, और उसके बाद वो ऐसे ही रहते हैं और पूरे दिन में सिर्फ एक बार पानी पीते हैं, एक बार ही खाना खाते हैं, वो भी 2 दिन या 3 दिन बाद। बहुत तपस्या की जाती है हम लोगों के यहाँ और बहुत शक्ति होती है गुरुजी में, आज भी इतनी शक्ति है मैं आपको क्या बताऊँ, किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पर वही है ये देखिए, यहाँ पर गुरुजी चल रहे हैं ये देखिए अच्छी तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारे भीड़ होती है, बहुत खुशी मनाते हैं जब गुरुजी आते हैं, आप लोग बिलीव करोगे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है हम लोगों के यहाँ जब गुरुजी आते हैं। मतलब वैसे भी पता है गुरुजी उन्हीं के यहाँ पर आ पाते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। यहाँ पर हम लोग गुरुजी के पास से आ गए थे, वहीं पर दावत हुई थी, वहीं पर खाना था, छो वहाँ पर थी कद्दू की सब्जी, रायता और पूड़ियाँ। जल्दी जल्दी में हुआ था, हम लोगों के कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो भी ना दावत तो हमेशा ही होती है, वैसे तो मटर पनीर की सब्ज़ी हमेशा बनती है लेकिन शायद जल्दी जल्दी के कारण नहीं बनी होगी, क्योंकि एकदम से सारा प्रोग्राम हुआ था, बैंड वगैरह सारे लगाए गए थे। और हम लोग के जब गुरुजी भ्रमण, मतलब जहाँ पर भी आगरे में अगर जितने भी मंदिर होंगे, जितनी भी पास पास में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में, तो गुरुजी सारे दर्शन करके आएंगे वहाँ के।
अभी कहीं पर भी जाएं, यानी कि सिर्फ आगरा नहीं, फिरोजाबाद, बहुत सारी जगह, एटा, बहुत सारी जगह, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर सभी लोगों के सभी के दर्शन करके आते हैं गुरुजी। और बहुत ज़्यादा मतलब चाहे वो, और पता, हमेशा पूरे कहीं के भी हों, पैदल ही चलते हैं, चाहे उनको पूरा भारत ही, जितने भी भारत गुरुजी होते हैं पूरे भारत में पैदल ही चलेंगे। और चाहे वो सर्दी हो, हम लोग कितनी सर्दी में ठंड में कप रहे हैं और वो बिना कपड़ों के ही रहते हैं और खाना भी नहीं खाते दो दो तीन तीन दिन तक, और पूरे दिन बोलते हैं, अपने जो शिष्य होते हैं उनको समझ पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं, और उनको उसको उन हम लोगों को भी क्या बोलते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, आरती वगैरह कराते हैं, गुरुजी भगवान जी के बारे में बताते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे प्रोग्राम होना है इसलिए गुरुजी आए हुए हैं, तो स्थापना भगवान जी की, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे जैन धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है जैन धर्म के बारे में, क्योंकि एक तो अलग ही धर्म है जैन, और नियम भी इसके अलग हैं, कायदे भी इसके अलग हैं, क्योंकि जैन धर्म में बोला जाता है जियो और जीने दो, तो इसीलिए हम, मैं भी है ना, किसी को ज़्यादा वो नहीं करती, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, तो मैं मन में नहीं लगाती किसी के भी, चलो छोड़ो, उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ, और मैं दिल की साफ़ हूँ इसलिए भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं, और हमेशा मैं कुछ भी चीज़ मांगती हूँ वो मेरे पास आ जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से बातें करूँगी कुछ जो मैंने अभी तक बातें की नहीं है आप लोगों से। बाई फेस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, जस्ट मैं अभी मंदिर से आई हूँ। ओ खुल गया, रुक जा। तो मैं मंदिर से आई थी, मैं करने वाली हूँ अभी ऑयलिंग अपनी भी करूँगी, दीयू के भी करूँगी, तो मैं वहाँ से कुछ लेकर आई थी मंदिर से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी सिर्फ एक सिंदूर लाना था डेली यूज़ के लिए, और डेली यूज़ के लिए मुझे सिंदूर लेके आना था, तो सिंदूर तो मैं लेकर आई हूँ, और उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें भी ले आई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो सिंदूर है रेड कलर का, जो मैंने लगा भी लिया है, यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना छोटा सा, दो खट्टे दो मीठे, इतना ही छोटा अच्छा लगता है सिंदूर। तो ये सिंदूर मैं लगा ली हूँ, मुझे दियो आवाज कम कर दो, और मुझे ना आईब्रो पेंसिल लेके आनी है, आईब्रो पेंसिल मेरे पास है मतलब नहीं, मिल ही नहीं रही है एक भी यार, सच्ची में मुझे ढूंढनी पड़ेगी आईब्रो पेंसिल। और मैं एक लेके आई हूँ लिपस्टिक, जो कि कुछ इस कलर की है, मैं शेड दिखा दे रही हूँ, कैसे दिखाऊंगी यार, दिख नहीं, मैट में पिंक कलर है, शायद दिन में दिखेगी, वैसे दिख नहीं रही है, ये देखिए सही है, मतलब कि आप लोग अगर मंदिर वंदिर जा रहे हो या फिर वैसे कुछ प्रोग्राम में जा रहे हो, तो ये बेबी लिपस्टिक है, इसे गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं, वैसे आजकल गर्ल्स है ना रेड ज्यादा यूज करती, रेड का क्रेज है। और मैं लेकर आई थी एक काजल, जो कि मैंने पर्स में डाल लिया है, और मैं अपने दिखाती हूँ एक चीज दिखाती हूँ, तो ये मेरा वॉलेट है जो कि मैं मोस्टली रखती हूँ अपने साथ, तो इसमें मेरे को काजल मैं हमेशा लगाती हूँ, तो काजल मैंने इसमें रखा हुआ है, और इसमें मेरी एक लिपस्टिक, एक लिपस्टिक होती है, एक काजल होता है, और एक माइक होता है, ये माइक है छोटा सा माइक, क्योंकि मुझे कभी कब इन चीजों की जरूरत पड़ जाए, कब मुझे वीडियो बनानी पड़े, तो ये मेरा इसमें रहता ही है, जैसे एक लिपस्टिक रहेगी, ये लिपस्टिक है मिस्टल ऑफ मिलान की, 550 की थी ना, 650 की थी जब मैं इस कंपनी में जॉब करती थी तब की है, ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, तब की नहीं है मतलब उस कंपनी की है, और ये देखिए बहुत सुंदर है, और ये बहुत ही अच्छी है, मतलब क्रीमी फॉर्मूले में है, आपके ओट वगैरह भी फट रहे हो तो भी बहुत अच्छी है। और ये काजल, ये काजल ये देखिए, ये ADS का है, ये मतलब आपको इमरजेंसी में काम कर जाएगा, ADS का है, ये दिख रहा है यहाँ पर ADS, नहीं तो फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे आप झूठ बोलती थी, दिख गया ना, तो यही है ठीक है, ये और ये माइक है,
ये मेरे पास में हमेशा रहता है और ये वॉलेट ठीक है। और ये लिपस्टिक मैं लेकर आई हूँ, और वैसे मैं डेली में मेकअप नहीं करती, लेकिन मेरे डेली के मेकअप बॉक्स में आपको एक काजल, लाइनर और लिपस्टिक तो ये है ये, और एक ये वाली लिपस्टिक मेरी जो की है थोड़ी सी रह गई है, जो की है Elliot 10 की लिपस्टिक। तो मेरे पास लिपस्टिक का कलेक्शन तो मेरे पास काफी है, बट मैं यूज काफी कम करती हूँ। तो ये है सिंदूर, तो मेरा सिंदूर खत्म हो गया था बिल्कुल ही, सिंदूर तो बहुत दिन से लेने की सोच रही थी बट लेती नहीं थी। और ये है लिप लाइनर, जबकि मैं इसे यूज नहीं करती, रखी रहती है मेरे पास। ये मेरा ऐसा कलेक्शन है जो डेली का, ये मतलब कुछ भी हो ये मैं रखा रहता पर करती कम। और ये है लैक्मी की, और मेकअप तो मेरे पास काफी अच्छा ही है, लैक्मी की कॉफी कलर। दिए वॉल्यूम कम करो, पिक्चर आ रही है, वीडियो वो आ जाएगा कॉपीराइट। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी है। और इसमें रहती है मेरी बिंदियां, ये छोटी बिंदी जो मैं लगाई हूँ वो है। और ये मेरी है टॉप्स का कलेक्शन, जिसमें छोटी छोटी सी झुमकी है, ये मैं कभी कभी वियर करती हूँ, बहुत ही प्यारी है। ये मैंने 20 रुपीज की ली थी, कभी कभी पहनती हूँ मैं इनको। ये देखिए, ये है 20 रुपीज की ली थी, ये भी बहुत सुंदर है यार, ये देखिए। और ये बालियां हैं, ये भी मैंने ली थी, मैं पहनूंगी इनको। और इसमें ना कुछ छोटे छोटे टॉप्स हैं डेली वियर के, जैसे कि कभी कभी मेरा मन कराए तो मैं इनको पहन लूं, जैसे एक ये है, एक ये है इस तरीके से, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का है, ये है ब्लैक कलर का, इसमें से शायद एक टूट गया तो इसे फेंक दे रही हूँ मैं। टूट गया तो मुझे दे दो। दोनों टूट गए? दोनों ले। तो एक ये है, ये है इस कलर का है, इस डिजाइन का है इसमें 8-10 जोड़ी है, ये से पर्पल। आप चाहे तो कहीं जा रहे हो सूट वगैरह पहन के, येलो यही रख दे बाबू, ग्रीन ऐसे डायमंड वाले, ये हैं बहुत सारे मिलेंगे आपको मेरे पास। ये वो ही तो टूट गया, पता नहीं कहाँ है। तो मैं पता इनको पहन नहीं सकती, मुझे शौक तो बहुत है बट मैं इनको पहन नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना खुजली मचने लगती है, और पता है मुझे ना इरिटेट हो जाती हूँ मैं। तो ये इसमें डिब्बी में छोटी सी मैं रखती रहती हूँ। आपको वो डिब्बी कहाँ है आपकी रबड़ वाली? और मैं चलो आपके सामने पहन ही लेती हूँ, है ना। ये वाले जो मैं पहनी हूँ ये गोल्ड के है, ठीक है। और ये मैं पहनी हूँ वो आर्टिफिशियल है। एक कमेंट आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि आप तो कहते हैं गोल्ड नहीं है भैया, जो पहनी हूँ वो तो है ना, ये नोजपिन भी भैया गोल्ड की है, फिर को भी कोई कमेंट करे। तो ये नोजपिन भी मेरे गोल्ड की है, ये मैंने शादी के बाद खरीदी थी भाई अपने पैसों से। और अबे पता सर्दियों में तो भी ये कुछ दिन तक पहन लूंगी, पर गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती मैं इनको बिल्कुल भी। ये देखिए पहन ली, अब कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए। मुझे करनी है ऑयलिंग, तो मैंने दिखा दी। इसमें मेरे रहते हैं सूखे सिंदूर, जो कि मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। तो ये सूखे सिंदूर है, और ये भी सूखे सिंदूर है, जो कि हम लोगों की जन्माष्टमी होती है तो यहाँ पर मेला लगता है तब यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें है ब्रश, जो कि मैं हेयर पैक लगाती हूँ तब के लिए। मैं आपको आज अपना मेकअप बॉक्स दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा मेकअप बॉक्स जिससे मैं ना बहुत ही कम। और ये है
बड़ी वाली बिंदी जिनको मैं कभी कभी लगाती हूँ, और ये है छोटी वाली बिंदी जिनको मैं मोस्टली लगाती हूँ, और ये मेरी बहुत सालों की अभी तक खत्म नहीं हुई, और ये है मेरी मल्टी मल्टी कलर में जो होती है ना, मल्टी कलर में आपको दिखा देती हूँ, ये सिंपल में है मल्टी कलर में बिंदी, जो कि हर किसी साड़ी के साथ चल जाती है, और किसी के साथ भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये है वो, और ये है सूखी सिंदूर को लगाने वाली, बट मेरी बेटी ने इसमें कुछ नहीं छोड़ा, यही खेल लेना तुम, लो पकड़ो, इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है उसने, और ये देखो सारा मेरा वो गंदा करके रखा हुआ है इसमें, और ये मेरा सिंदूर है ऐसा लगाने वाला, इसने गंदा करके रख दिया। ये है रेड कलर का सिंदूर, आपको दिख रहा हो तो, अरे लाइट क्यों नहीं दिख रही, ये एकदम डार्क है, ये सिंदूर ही तोड़ दिया है दीयू ने, ये एक बार लगा लो तो फिर छूटता नहीं है, ये बहुत अच्छा सिंदूर है, नहीं लीची है, और ये है ब्लैक कलर का। तो ये है कुछ इस तरह के रेजर, तो यही मेरा डेली का मेकअप बॉक्स है जिसे मैं खोल कर बैठ गई थी, अब मुझे करनी है ऑयलिंग, तो मैं वो करूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी।